भाइयों और बहनों, आज हम साधारण समय के दूसरे रविवार में हैं। आज का पहला पाठ शमूएल की पहली पुस्तक से लिया गया है। प्रभु ने कई बार शमूएल को बुलाया, लेकिन शमूएल परमेश्वर के वचन को नहीं पहचान सका। वह यह सोचकर एली के पास गया कि उसने उसे बुलाया था। बाद में एली ने शमूएल से कहा कि यह ईश्वर है जो उसे बुला रहा था। तब शमूएल ने उत्तर दिया, हे प्रभु बोलो, अब तू सुन रहा है दास तेरा। हे प्रभु बोलो, अब तू सुन रहा है दास तेरा। इस प्रकार प्रत्येक मानव को ईश्वर की आवाज़ आती रहती है और उसकी आवाज़ हमें सुननी चाहिए और उसको उत्तर देना चाहिए और वही करना चाहिए जो प्रभु बताता और आज्ञा देता है। हे प्रभु बोलो, अब तू सुन रहा है दास तेरा। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया है। यह पत्र लोगों को नैतिकता और विशेष रूप से यौन नैतिकता के बारे में बता रहा है। संत पौल ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और ख्रिस्तियों के रूप में हमें हमेशा नैतिक रूप से अच्छा होना चाहिए और सभी अनैतिकता और अशुद्धता से बचना और दूर रहना चाहिए। हम ख्रीस्त के शरीर के अंग हैं, हम ख्रीस्त के शरीर में साझा करते हैं। वह बहुत महत्वपूर्ण वाक्यांश का उपयोग करता है, हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यदि हम अनैतिक हैं तो हम अपने स्वयं के शरीर के खिलाफ पाप कर रहे हैं और ख्रीस्त के साथ हमारे संघ के खिलाफ भी पाप कर रहे हैं। संत पौल के लिए नैतिकता का मतलब आत्मा को सुनना था और अनैतिकता का मतलब मांस या हमारे शरीर को सुनना था। अब मांस के काम स्पष्ट हैं, यौन अनैतिकता, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, दुश्मनी, कलह, ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई, असंतोष, विभाजन, शराबी, नंगा नाच और इसी तरह की चीज़ें। मैंने आपको चेतावनी दी है जैसा कि मैंने आपको पहले चेतावनी दी थी कि जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5:19-21। आज का सुसमाचार हमें योहन बपतिस्ता के बारे में बताता है जो अपने शिष्यों के साथ खड़े थे और जैसे ही प्रभु यीशु उनके सामने से गुजर रहे थे उन्होंने यीशु की ओर इशारा किया और कहा, यह ईश्वर का मेमना है। उसी क्षण योहन बपतिस्ता के शिष्यों ने उसे छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। उन्होंने यीशु के पास जाकर उससे कहा, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उन्हें यह देखने के लिए आमंत्रित किया कि वह कहाँ रहते थे। इस तरह वे हमेशा के लिए उसके अनुयायी बन गए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मुझे बुलाने और अपना शिष्य बनाने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी सेवा और महिमा के लिए खुद को आपको देता हूँ। अपनी इच्छा अनुसार मेरा उपयोग करो। कृपया मुझे आप और आपकी सेवा करने की विनम्रता दें। मुझे शुद्ध जीवन जीने और दूसरों के लिए अच्छे काम करने में मदद करें। लोगों के जीवन में आशा और खुशी लाने में मेरी मदद करें। आमीन।